एक बार फिर अमरावती जिले में देशी विदेशी नकली दारू बनाने की टोली सक्रिय। अमरावती क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही एक टोली को पकड़कर 17 लाख का माल एवं 10 आरोपियों को अटक किया। ये नकली दारू बनाने वाले प्रोडक्शन इंजीनियर, इनकी हिम्मत इतनी कि सेमाडो स्थित शासकीय छात्रालय को ही दारू की फैक्ट्री बना डाला। अब निश्चित कि इस काम में यदि कोई सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व न हो ऐसा तो नहीं हो सकता। चिखलदरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमाडो यहाँ पर जय महाकाली गर्ल्स गवर्नमेंट हॉस्टल में पिछले कई दिनों से देशी विदेशी दारू बनाने का कार्य शुरू है। स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम चिखलदरा में 26 जनवरी को व्यवस्थापन के लिए दौरे पर थी। इसी दौरे के अंतर्गत उन्हें सीमाडो में नकली दारू बनाने की फैक्ट्री पता चला और उन्होंने तत्काल रेड डालकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्थानीय क्राइम ब्रांच को 200 लीटर के 5 ड्रम, खाली बोतल और उस पर लगने वाले ढक्कन वहां पर मिले और मुख्य सूत्रधार प्रकाश लालवानी साथ में 10 प्रोडक्शन इंजीनियर को गिरफ्तार किया। प्रोडक्शन इंजीनियर यानी वहां पर नकली दारू बनाने वाले कर्मचारी। इससे पूर्व यही टीम पहले अमरावती में भी सक्रिय थी। गत कोरोना काल में सरकार ने दारू बेचने के लिए अनुमति दी थी, उसके पहले अनुमति भी नहीं थी, तो ऐसे समय का फायदा उठाकर नकली दारू का उत्पादन यहाँ पर शुरू हो गया था। यह कारखाना रामपुरी गैंग में था जो पुलिस की सांठगांठ से चलता था। उस समय 5 लोगों पर कार्रवाई की और लाखों का माल जब्त किया था। इस केस के तत्पश्चात आरोपी ने पुलिस पर पैसे खाने का आरोप भी लगाया था, जिसके कारण यह धंधा चल रहा था। और इसी प्रकरण में तत्कालीन गाड़गे नगर के PSI अहिरे पर एंटी करप्शन की नज़र पड़ी और उन्हें ट्रैप किया था। तब से अब तक अहिरे फरारी में है। कोरोना काल में दारू की बहुत कमी थी, लोगों ने 3 गुना 4 गुना पैसा देकर भी दारू खरीदी थी। ऐसे में दारू की सप्लाई को इन नकली उत्पादकों ने पूरा किया। शहर में पुलिस की नज़र में आने के बाद इन्होंने अपना ग्रामीण में अड्डा बनाया और पुनः जोरों शोरों से नकली दारू उत्पादन का काम शुरू कर दिया। कोरोना काल में जुलाई में हुई इस रेड में कई अमरावती के बड़े लोगों नाम होने की चर्चा में रही और परिणाम यह हुआ कि इन लोगों में ग्रामीण में अपना अड्डा बना लिया और दारू का यह व्यवसाय पूर्ववत शुरू हो गया। और ऐसा ग्रामीण भाग चुना जहां पुलिस आसानी से नहीं जाती। ऐसे और कई भी कारखाने अमरावती जिले में हो सकते हैं, आसपास के जिले में भी हो सकते हैं, क्योंकि यह लोग पुलिस से नहीं डरते। पिछली बार पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इन्होंने अपना व्यवसाय वापस खड़ा कर लिया। पिछली बार भी चर्चा थी कि कई बड़े लोगों का हाथ सर पर है, शायद इस बार भी ऐसा हो। इस बार भी कहीं कोई सेटिंग बिगड़ी है और पुलिस को खबर हो गई। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल है, वहां का भाजपा कार्यकर्ता गोलू मुंडे उसका संचालक है। पुलिस ने गोलू मुंडे को भी आरोपी बनाया है। 26 जानेवारी के पार्श्वभूमिवर माननीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरी बालाजी सर, त्याचप्रमाणे अपर पोलीस अधीक्षक घुगे सर यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे LCB टीमनी सीमाडो या ठिकाणी मुलींच्या वसतिगृहामध्ये डुप्लिकेट दारूची कारवाई केलेली आहे। त्याच्यामध्ये 19 आरोपींना अटक केलेली आहे। त्याचप्रमाणे 17.5 लाख रुपयाचा माल त्यामध्ये जप्त करण्यात आलेला आहे। पोलीस उपनिरीक्षक विजय गरड आणि त्यांच्या चमूनी ही कारवाई केलेली आहे।
जहां ऐसे अवैध व्यवसाय में राजकीय कार्यकर्ता और शासकीय अधिकारी शामिल हो, वहां कौन इस धंधे को फलने फूलने से रोक सकता है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, 10 लोगों को गिरफ्तार किया, 17 लाख का माल जब्त किया। अब आगे क्या होता है, इसकी नज़र सब पे लगी है।